ये होली का फंक्शन चल रहा है, हम अपने पेरेंट्स के होली का फंक्शन करते हैं बच्चों के लिए, ताकि वो यहाँ पर आ सके, इंजॉय कर सके फेस्टिवल, क्योंकि आजकल तो न्यूक्लियर फैमिलीज है, कोई इंजॉय नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पर अपनी एज ग्रुप के साथ खुद एक अच्छा सा माहौल क्रिएट करते हैं हम। आपका स्कूल एक दावा करता है कि बच्चों का संपूर्ण या कहें सर्वांगीण विकास जो है होता है? बिल्कुल होता है। किस तरीके से होता है, क्या क्या आपके स्कूल में फैसिलिटीज है? सारी फैसिलिटीज है हमारे यहाँ पर, म्यूजिक है, डांस है, स्टडीज है, ट्यूशन है बच्चों के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेज है, स्केटिंग है, स्विमिंग है। जो कह रहे हैं वो है भी दिखाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल दिखाएंगे आपको। चलिए, केजी क्लास सेम स्ट्रेंथ रहता है सारे क्लासेस में, 15-20 बच्चे एक बैच में, 1 नैनी, 1 असिस्टेंट टीचर, 1 परमानेंट टीचर, प्लस फ्लोर नैनी अलग से रहती है बच्चों को वॉशरूम ले जाने के लिए। यहाँ पे वोकल क्लास रहती है। भाई मैंने तो अपनी लाइफ में कभी अपनी म्यूजिक वगैरह नहीं सीखा, आज पहली बार ऐसे देख रही हूँ टच कर कर भी। यहाँ तो भैया पियानो क्लास भी है, ये पूरा जो एरिया है बच्चों को स्केटिंग के लिए है। देखिए बच्चों के लिए अलग अलग तरीके के खिलौने, देखिए ये एक तरीके से इस स्कूल के अंदर एडवेंचर करने का जो टाइम है, जो स्कूल के बाद एजुकेशन लेने के साथ साथ एडवेंचर भी कर रहा है बच्चा। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं जल को दिल्ली। इस समय मौजूद हूँ द्वारका सेक्टर 12 में, जहाँ ये स्कूल की एक वीडियो वायरल हो रही है कि ये स्कूल जो है बच्चों का संपूर्ण विकास करता है। नव्यांध्र स्कूल नाम है इस स्कूल का, जो द्वारका सेक्टर 12 में है। और अभी देखिए किस तरीके से लाउडली म्यूजिक इस स्कूल में चल रहा है। आइए देखते हैं कि क्यों चल रहा है म्यूजिक स्कूल के अंदर, इतनी लाउडली तौर पर म्यूजिक चल रहा है। जुड़कर जानते हैं किस तरीके से बच्चे का जो है संपूर्ण विकास करता है। आइए देखते हैं कि क्या चल रहा है इस स्कूल में। और ये स्कूल है ना मैम? यस स्कूल है मैम। क्या चल रहा है, इतना लाउडली म्यूजिक चल रहा है? होली के फंक्शन चल रही है, होली की प्रोग्राम चल रही है। किसी स्कूल में इस तरीके से तो होली नहीं मनाते मैडम? नहीं मैम, हाँ हमारे स्कूल में मनाते हैं, हमारे स्कूल में हर एक फेस्टिवल मनाते हैं। आपका स्कूल दावा करता है संपूर्ण विकास, बच्चे का संपूर्ण विकास होता है यहाँ? जरूर हाँ होता है। देखिए इन्होंने मेरे स्कूल में घुसते ही मुझे हैप्पी होली बोल दिया और कलर लगा दिया। स्कूल में होली का फंक्शन चल रहा है, साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है बच्चे भी हैं और बच्चों के पेरेंट्स भी जो है होली का त्योहार मना रहे हैं। ये स्कूल दावा करता है कि किस तरीके से जो बच्चों को संपूर्ण विकास या कहें सभी का मिश्रण जो कहें बच्चों को मेन जरूरत है, बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़े। अब ये देखते हैं कि किस तरीके से ये बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़े हैं। और लगातार जो स्कूल के अंदर आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें किस तरीके से स्कूल में होली सेलिब्रेशन का प्रोग्राम चल रहा है। ये रिसेप्शन है, आइए आकर जुड़ कर जानते हैं कि क्या चल रहा है। मैडम इस प्रिंसिपल कौन है इस स्कूल का? आप प्रिंसिपल? हाँ जी हाँ जी। स्कूल में क्या चल रहा है? ये होली का फंक्शन चल रहा है, हम अपने पेरेंट्स के होली का फंक्शन करते हैं बच्चों के लिए, ताकि वो यहाँ पर आ सके, इंजॉय कर सके फेस्टिवल, क्योंकि आजकल तो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, कोई इंजॉय नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पर अपनी एज ग्रुप के साथ खुद एक अच्छा सा माहौल क्रिएट करते हैं हम। आपका स्कूल एक दावा करता है कि बच्चों का संपूर्ण या कहें सर्वांगीण विकास जो है होता है? बिल्कुल होता है। किस तरीके से होता है, क्या क्या आपके स्कूल में फैसिलिटीज है? सारी फैसिलिटीज है हमारे यहाँ पर, म्यूजिक है, डांस है, स्टडीज है, ट्यूशन है बच्चों के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेज है, स्केटिंग है, स्विमिंग है, सारी चीजें। जो कह रहे हैं वो है भी दिखाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल दिखाएंगे आपको। चलिए, आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है? नहीं मैम, मेरा बच्चा तानसेन में आता है, तो वो 3 क्लासेस करता है, एक म्यूजिक की, एक गिटार वो सीखता है, इंडियन क्लासिकल वो सीखता है, सिंगिंग और एक टाइकोंडो। अच्छा, ये किस तरीके का आप रिव्यू देना चाहेंगे, मतलब बताना चाहेंगे कि स्कूल कैसा है? ये सच में जो सर्वांगीण विकास की बात करता है, जैसे संगीत सिखाते हैं यहाँ पे और भी बहुत सारी एक्टिविटी के बारे में बताया, इस बारे में क्या कहना है आपका? मैम मेरा बेटा जब से स्कूल में आ रहा है उसने एक डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन लड़ा है, मतलब दिल्ली का जो डिस्ट्रिक्ट था, तो उसमें वो फर्स्ट आया है इस स्कूल को ज्वाइन करने के बाद। गाता वो बचपन से, बट अभी धीरे धीरे उसको वो नॉलेज हो रही है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से तो ये स्कूल बहुत अच्छा है। अच्छा, ये लग रहा है कि मतलब इस स्कूल में भारत की जो संस्कृति जैसे पहले चला करता था गुरुकुल की परंपरा थी, ये बता रहे हैं डे केयर स्कूल है, तो क्या लगता है कि भारत की संस्कृति को हम बरकरार रख पाएंगे आप? मैम भारत की संस्कृति तो बहुत बड़ी है ये, पर जो इनका इनिशिएटिव है, हाँ जैसे अब मेरा बेटा इंडियन क्लासिकल सीखता है, जो ज़्यादातर आजकल नहीं सीखते लोग, और जो इनकी जो टीचर हैं वो बहुत अच्छी है, जिस तरीके से वो पढ़ाती हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को सिखा रही हैं, जो कि बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए क्लासिकल सिंगिंग में इंटरेस्ट मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है,
तो वो जिस तरीके से इनको हैंडल करते हैं, इनको सिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, हाँ मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है ये इनिशिएटिव इन लोगों का। और डे केयर है, मेरे एक दो जानकार लोगों का एक डेढ़ साल का बच्चा यहाँ पे आता है, तो उसको उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया है। तो मैं तो सबको ये सजेस्ट करूँगा कि अब मेरा एक साल का एक बच्चा है तो मैं उसको जो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो यहीं भेजूँ। कैसा लगता है बेटा? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। घर जाना चाहते हैं या पूरे टाइम यहीं रहना चाहते हैं? वो कभी कभी घर जाने का मन हो जाता है। कभी कभी हो जाता है, पर ज़्यादातर यहाँ रहने का मन करता है। हाँ जी। अच्छा, क्या क्या जब जितने भी टाइम स्कूल में रहते हो क्या क्या फैसिलिटी मिलती है आपको, क्या सुविधा मिलती है? मुझको बस अच्छा लगता है इधर रहना। इधर रहना अच्छा लगता है। अच्छा सर, ये बताइए आपकी बेटी कितने साल की है? तीन। तीन साल की है। कब से यहाँ आ रही है? ये अभी तो नहीं आ रही, ये आता है बड़े वाला। हाँ, तो इसको भी भेजने का इरादा है क्या? अभी तो इसको भेजा है, इसको नेक्स्ट है। कैसा लगता है आपको? काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। क्या सुविधाएं मिल पाती हैं बच्चों को यहाँ? ऑलमोस्ट सारी है, अपनी फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी सब कर पाते हैं। काफ़ी अच्छा क्रिएटिव इन्वायरमेंट है बच्चों के हिसाब से, तो बहुत अच्छा है। पेरेंट्स के अंदर वो होता है ना कि घर में रहते हैं बच्चे ना रोना है पैट है करते रहते हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। कहीं ना कहीं डे फुल डे के लिए आते हैं। आठ से आठ का ही क्या इनका? नहीं, आठ से आठ का नहीं है, इसका होगा क्या नाम है 9 to 11। तो कहीं ना कहीं बच्चे जो रोते हैं, पेरेंट्स को परेशान करते हैं, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करें तो वो भी नहीं कर पाते हैं, या मदर सही से खाना भी नहीं खा पाती, कई बार ऐसा होता है। बिल्कुल। तो होता है। कहीं ना कहीं ये स्कूल 8 से 8 का जो टाइमिंग रख रहा है, 12 घंटे बच्चे को संभालना बहुत बड़ी बात है। तो आप क्या संभाल पाएंगे? आपको लगता है जो टीचर यहाँ के हैं वो संभाल पाते हैं सही से? अरे काफ़ी अच्छा है, इन लोगों ने 10 बच्चों के ऊपर एक नैनी रखी है, एक सपोर्ट स्टाफ रखा है, एक टीचर रखा है, नहीं 10 के ऊपर 3 का रेशियो है। कभी रैंडमली आपने रैंडमली आके स्कूल में चेक किया कि सच में ऐसा है या फिर ये ऐसे ही बोलते हैं? नहीं, ऐसा है एक्चुअली, वो पॉजिटिव इन्वायरमेंट यहाँ पे है, तभी हमने अपने बच्चे सेकंड बच्चे का भी यहाँ पे एडमिशन करवाया। पहले सिर्फ एक ही किट्स था, अब यहाँ 2 किट्स हैं हमारे। बेटा आपको कैसा लगता है यहाँ पर? अच्छा। क्या क्या सीखा अभी बताओ? म्यूजिक। म्यूजिक सीखे हो? अच्छा, म्यूजिक में कौन सा म्यूजिक सीखते हैं? कुछ बताएंगे मुझे भी, जाकर बताएं। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। थैंक यू। बच्चों के लिए कहाँ क्लासेस होती हैं, बच्चों के लिए कौन सी एक्टिविटी होती हैं, जुड़कर देखते हैं कि किस तरीके की एक्टिविटी। ये कौन सा क्लासरूम है मैम? ये प्री नर्सरी है मैम। प्री नर्सरी। हाँ जी। तो कितने बच्चों की मतलब स्ट्रेंथ रहती है क्लास में? एक बैच में 15 to 20 बच्चे होते हैं, प्लस 1 नैनी होती है, 1 असिस्टेंट टीचर, 1 परमानेंट टीचर। अच्छा, ऐसा होता है कि टीचर जो होती है अच्छी इंग्लिश बोलती है वो? हाँ हाँ, हमारी फैकल्टी सारी प्रोफेशनल टीचर्स हैं और सब वेल एजुकेटेड हैं। वेल एजुकेटेड। हाँ जी। और नैनी का बताइए, नैनी जो केयर करती है बच्चों की, जैसे माँ केयर करती है, क्या कर पाती है? माँ से ज़्यादा केयर करती है, आप ये मानोगे, क्योंकि बच्चे जाते ही नहीं हैं हमारे यहाँ से। ऐसा होता है कभी बच्चे मान लो पेरेंट्स उनको लेने आते हैं आफ्टर ऑफिस, तो उनका जाने का ही मन नहीं करता, ऐसे बच्चे भी हैं हमारे पास यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। बाकी दिखा दीजिए क्या क्या सिखाते हैं बच्चों को डे केयर में। मैम होता क्या है, मेरे को एक बार थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे? डे केयर में देखो, छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी प्रॉपर एज होती है? क्या एज होती है? हमारे स्टार्टिंग बच्चे 6 मंथ से आते हैं, 6 months, 9 months, 2 years, और जो बड़े बच्चे होते हैं उनके पास, उनके लिए हमारे पास एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक डांस, म्यूज़िक, फाइन आर्ट, इंस्ट्रूमेंट क्लासेस, स्पोर्ट्स क्लासेस, ये सारी एक्टिविटी रहती हैं। आफ्टर स्कूल पहले लंच होता है बच्चों का, प्रॉपर नैप रूम है हमारा ऊपर, प्रॉपर नैप पर स्लीप करते हैं बच्चे। उसके बाद एक्टिविटीज़ 4 o'clock से स्टार्ट हो जाती हैं, उसमें आप कोई भी को सोने के लिए भी मिलती है सुविधा? हाँ, सोने के लिए भी सुविधा। कितना देर सुलाते हैं बच्चों? 1 hour, 1 hour प्रॉपर क्लास। अच्छा, जब सो के उठते होंगे तो रोते भी होंगे? हाँ, रोते भी हैं, बट बच्चों को थोड़ा सा हैबिट पड़ जाती है, 1 से 2 दिन तो एटलीस्ट सबको लगता है सेटल होने में, बट आदत पड़ जाती है बच्चों को यहाँ क्लासरूम में। केजी क्लास। सेम स्ट्रेंथ रहता है सारे क्लासेस में, 15 to 20 बच्चे एक बैच में, 1 नैनी, 1 असिस्टेंट टीचर, 1 परमानेंट टीचर, प्लस फ्लोर नैनी अलग से रहती है बच्चों को वॉशरूम ले जाने के लिए। एक्टिविटी क्लासेस कन्वर्ट हो जाती है इसमें, जैसे वहाँ पे फाइन आर्ट क्लास होती है प्री नर्सरी वेल रूम में, केजी क्लास में वोकल होती है, यहाँ पे भी वोकल क्लास होती है।
पे वोकल क्लास रहती है, और ऊपर है हमारा इंस्ट्रूमेंट का प्रॉपर थर्ड फ्लोर पे। भाई मैंने तो अपनी लाइफ में कभी अपने म्यूजिक वगैरह नहीं सीखा, आज पहली बार ऐसे देख रही हूँ टच कर कर भी। मैम कौन सिखाता है, सर रखे हैं टीचर है? हाँ जी, दिनेश सर सिखाते हैं, वो हमारे साथ 15 ईयर्स से वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छे टीचर भी हैं। बाकी ड्रम सिखाते हैं, कॉन्गो सिखाते हैं, तबला सिखाते हैं और ढोलक सिखाते हैं वो यहाँ पे। बड़े लोगों को भी सिखा सकते हैं? हाँ बड़े लोगों को भी सिखा सकते हैं, आप भी सीख सकते हो। देखिए कितना अच्छा है, ये बच्चों को शुरू से ही ये सारी चीज़ें अगर सिखाई जाएँ तो बच्चा जो है बड़े होकर अच्छे से कोई भी फील्ड में काम कर सकता है। अभी क्या होता था, लोहार का बेटा लोहार बनेगा, बढ़ई का बेटा बढ़ई बनेगा, पर अब ये सोच बदलनी पड़ेगी क्योंकि जो बच्चा इस तरीके के स्कूल में आएगा, इस तरीके की एक्टिविटी सीखेगा जहाँ पर उसे म्यूज़िक सिखाया जा रहा है, ये ड्रम बजाना, ये सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। बच्चे को संगीत की क्लास भी दी जाती है, कंप्यूटर क्लास भी दी जाती है, स्विमिंग पूल भी है इस स्कूल के अंदर, लगभग सारी सुविधाएँ जैसा ये दावा कर रहे थे वो सत्य निकला। पर मुझे तो मज़ा आ गया इस स्कूल में, मुझे लगता है मैं भी अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजूंगी। यहाँ तो भैया पियानो क्लास भी है और मैं ये भी देख रही हूँ, हालांकि मैंने कभी नहीं बजाया, कौन सी की कैसे यूज़ होती है इस बारे में जानकारी नहीं, पर यहाँ कौन सी एज के मैडम बच्चे जो ये सीख सकते हैं? मैम बेसिक स्टार्ट होता है हमारा सारेगामा से, सारेगामा पादानीसा से। अच्छा, क्या एज ग्रुप के बच्चे सीख सकते हैं? 5 ईयर्स 5 अबव सीख सकते हैं। हाँ जी, इजली बच्चे सीख पाते हैं कि जैसे मेरे को ये नहीं पता, ये आप लोगों ने यहाँ लेटर्स लिखे हैं, इस तरीके से सारी चीज़ें सीखना बच्चों के लिए आसान? प्रॉपर पहले नोट्स देते हैं उनको, उसके बाद सारी चीज़ें बेसिक अपने खुद सिखाते हैं, बैठ के इंडिविजुअल हमारी क्लास होती है। एंड सबसे बेस्ट बात है यहाँ पे एक बैच में 5 to 6 बच्चे रहते हैं ताकि टीचर जो है सब पे इंडिविजुअली अच्छे से नज़र रख पाए। देखिए किस तरीके से बताया कि मैम ने, जो टीचर है वो बच्चे को पहले नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, 5 साल का बच्चा भी पियानो सीख सकता है, ढोलक बजा सकता है, यानी कहें संगीत जो है तानसेन बन सकता है। शुरू से अगर बच्चे को ये एक्टिविटी सिखाई जाए तो क्या नहीं कर सकता। मैम ये कौन सा रूम? ये ऑडिटोरियम है जहाँ पे जो भी छोटे मोटे फंक्शन होते हैं स्कूल के वो यहीं पे सारे कंडक्ट होते हैं। और हमारे दूसरे स्कूल से भी जिनके स्कूलों में स्पेस नहीं होता है वो स्कूल यहाँ पे, अभी लास्ट हम्प्टी डम्प्टी ने भी यहाँ पे अपना एनुअल फंक्शन कंडक्ट किया था, तो ये ऑडिटोरियम है प्रॉपर। अच्छा, स्कूल में किस तरीके के फेस्टिवल भी, सारे फेस्टिवल जैसे आज फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं यहाँ पे, छोटे से छोटे बड़े से बड़े। गणपति विसर्जन भी होता है। मैं आपको पता होता है सब कुछ? हाँ सब कुछ पता होता है उसमें हम लोग पेरेंट्स को भी इनवाइट करते हैं, बच्चों को भी इनवाइट करते हैं, प्रॉपर यहाँ पे लंच रहता है उनका या स्नैक्स रहते हैं, सारी चीज़ें रहती हैं। अच्छा ये बताइए, जो डे केयर में बच्चे रहते हैं उनको खाने में आप क्या देते हैं? डे केयर में हम खाने में बच्चों को स्नैक्स में हेल्दी चीज़ें ही प्रोवाइड करते हैं, लाइक पोहा, उत्पम, उपमा, चीला और मैगी। कभी कभी तो बच्चों देखो मांगते ही हैं तो कभी कभी हम देते हैं बच्चों को भी। अच्छा। बट हेल्दी चीज़ें ही प्रोवाइड होती है। लंच में प्रॉपर हम लोग दाल, चपाती, सैलेड, वेजिटेबल्स में कभी आलू, कभी गोभी, ये सारी चीज़ें रहती हैं सीजनेबल। हाँ जी सीजनेबल रहती हैं जो। देखिए किस तरीके से स्कूल के अंदर जो बताया इन्होंने, बच्चों के पेरेंट्स से भी हमने बात की, किस तरीके से जो बच्चे हैं, एक पेरेंट्स से बात की, उन्होंने बताया कि उनका एक बच्चा स्कूल में पढ़ता था, वो दूसरे का भी एडमिशन करा रहे हैं और आने वाले साल में तीसरे का भी एडमिशन करा देंगे क्योंकि इस स्कूल में जो दावा किया था वो सत्य निकला। जैसे संपूर्ण विकास की बात कही वो बात बिल्कुल सत्य थी कि किस तरीके से स्कूल के अंदर संगीत, म्यूज़िक और सबसे ज़्यादा मेन बात होती है स्कूल के अंदर फूड, जो डे केयर में बच्चा रहता है कि क्योंकि हम जनरली घर में क्या करते हैं, बच्चों को कुछ भी खिला देते हैं, बच्चे से छुटकारा पाना चाहते हैं पेरेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि इरिटेट हो जाते हैं, पर यहाँ लगा मैंने देखा टीचर भी काफ़ी अच्छे, स्टाफ भी काफ़ी अच्छे हैं जो बता रहे स्नैक्स में भी देते बच्चों को खाने में, दाल चावल रोटी, जो घर में एक घर का खाना हेल्दी खाना होता है जो बच्चे को मिलना चाहिए जिससे उसकी सही से ग्रोथ हो सके, हेल्थ के लिए अच्छा हो। और किस तरीके से पोहा चपाती जिनके लिए बच्चे अक्सर मुंह भी बना जाते हैं घरों में, पर स्कूल में ये चीज़ें बच्चे हंस के खाते हैं, खा लेते बिना रोए बच्चे ऐसे। हाँ बिना रोए खा लेते हैं। बात ये होती है घर में मैम बच्चा अकेला होता है बट यहाँ पे सबको साथ में देख के तो दूसरा खा रहा है तो उसे भी लगता है कि मैं भी खाऊं, अपना लंच खुद निकाल के खाते हैं बच्चे, तो ये सारी चीज़ें। बाकी आप
ये बताइए, जैसे कई बार ऐसा भी होता होगा कि बच्चे जैसे सोते नहीं होंगे, जो एक घंटा टाइम देते हैं सोने के लिए आप लोग? हाँ, सोते हैं, ऐसा भी होता है कभी कभार, नहीं बच्चे सोते हैं, बट ये है कि जैसे हमारे पास स्कूल के बाद जो बच्चे आते हैं वो मोस्टली टायर्ड होते हैं, तो वो खाने के बाद एक घंटा ज़रूर नैप लेते हैं मैम। उस दौरान टीचर क्या करता है, वो बच्चे के साथ सोने के मतलब एक्टिंग करता है जैसे एक माँ करती है? नहीं, देखो हमारे पास नैनीज हैं जो प्रॉपर माँ जैसा ध्यान रखती हैं बच्चों का, जैसे भी कह लो आप लोरी सुनाती हैं या कुछ भी करती हैं, बट ये है कि एक घंटा नैप ज़रूर मिलता है बच्चों को, ताकि वो नेक्स्ट अगर उठे तो एक्टिविटी अपनी अच्छे से कर सके। क्योंकि मैंने ना बहुत सारे स्कूलों के बारे में एक रिव्यू सुना था पहले कि बच्चों को ना कफ सिरप दे देते हैं, बच्चों को सुला देते हैं, फिर फुल डे टीचर भी मस्ती करते हैं, बच्चे तो रेस्ट करते हैं। नहीं नहीं मैम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, यहाँ पे प्रॉपर बच्चों को अच्छी तरीके से नैप मिलता है। दूसरी चीज़ ये है, नैनी हमारी बहुत अच्छी है, ट्रस्टेबल नैनी है, हम नैनी के भरोसे बच्चों को छोड़ सकते हैं, ऐसी नैनीज है हमारे पास, माँ के जैसा ध्यान रखती हैं। बाकी सिक्योरिटी कैसी है, स्कूल का जो मेन गेट है सारे टाइम खुला रहता है इस तरीके की? नहीं, गेट हमेशा बंद रहता है, गार्ड रहता है प्रॉपर, अगर गार्ड भी कहीं जा रहा है तो कोई ना कोई गेट पे आपको ज़रूर मिलेगा, बिना उसके गार्ड के हम लोग बच्चे को ना जाने देते हैं ना आने देते हैं। दूसरी चीज़, हमारा कार्ड बनता है प्रॉपर, पेरेंट्स को भी हम जब ही देते हैं बच्चा जब वो कार्ड दिखाते हैं हमें, चाहे वो उनके बच्चे उनका ही माता पिता हो, लेकिन जब तक वो कार्ड नहीं दिखाएंगे आइडेंटिटी कार्ड तब तक हम बच्चे को भी हैंडओवर नहीं करते हैं, इतनी प्रॉपर सेफ्टी रहती है बच्चों को। तो देखिए भगवान कसम, मैं तो अपने बच्चों को इस स्कूल में भेज देंगे, इस तरीके की मन में फीलिंग आ रही है कि बच्चों को अगर कहीं भेजना है तो ऐसे ही भेजें कि बहुत बढ़िया स्कूल है, कसम से मज़ा ही आ गया इस स्कूल का विज़िट करके। मेरे को शुरू में ऐसा लग रहा था ये, क्योंकि हाथी के दांत दिखाने और खाने के अलग अलग होते हैं, कई बार ऐसे दावे किए जाते हैं पर सच में वो सत्य नहीं होते, पर इसने स्कूल ने दावा कर दिया। अभी होली का फंक्शन बाहर चल रहा है, बकायदा मैंने देखा किस तरीके से बच्चे और पेरेंट्स जो हैं दोनों ही इंजॉय कर रहे हैं बच्चों। अच्छा मैडम ये बताइए कि बच्चा या टीचर या नैनी क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या इस पर नज़र रख पाते हैं? हाँ प्रॉपर नज़र रहती है, कैमरे लगा रखे हैं? हाँ जी, सीसीटीवी कैमरा आप देख सकते हो प्रॉपर, हर क्लास में आपको सीसीटीवी कैमरा मिलेगा और प्रॉपर वो चलता है पूरा। हम लोग फीमेल स्टाफ है, कितने मेल स्टाफ है? सर मैम हमारे प्रॉपर फीमेल स्टाफ ही है, एक स्पोर्ट्स के टीचर है जो मेल स्टाफ है और वेस्टर्न के टीचर हैं, बाकी प्रॉपर मोस्टली फीमेल है। फीमेल स्टाफ रखने का कोई खास कारण रहा होगा? फीमेल स्टाफ रखने का खास कारण ये है कि सेफ्टी ज़्यादा रहती है उसमें, केयर ज़्यादा। हाँ जी, केयर ज़्यादा करती है वो, एक माँ की तरह केयर करती है। नैनीज भी हमारी फीमेल है, कोई भी मेल फैकल्टी नहीं है। ये पूरा जो एरिया है बच्चों को स्केटिंग के लिए है, बच्चे स्केटिंग करते हैं, किस एज ग्रुप लगभग एक साल के बच्चे करने लगते हैं मैडम? एक साल का, 3 इयर्स तक का आप कर सकते हो। तीन साल से स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ जी, देखिए बच्चों के लिए अलग अलग तरीके के खिलौने, देखिए मगरमच्छ है जहाँ बच्चे देखिए किस तरीके से इस पर बैठ के इंजॉय कर सकता है सारी चीज़ें। देखिए इस तरीके के खिलौने जो पार्कों में बच्चे या कहें, ये एक तरीके से इस स्कूल के अंदर एडवेंचर करने का जो टाइम है, जो स्कूल के बाद एजुकेशन लेने के साथ साथ एडवेंचर भी कर रहा है बच्चा। ये बच्चे की आज होली किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिल्कुल सेफ सिक्योरिटी, कौन से कलर यूज़ कर रहे हैं, कैसे बच्चे साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से होली, ये सब देखकर मेरा भी मन कर रहा है होली में आज टीम के नाम से इतना मज़ा आ गया कि स्कूल में मुझे करके ऐसा लग रही ना कि मैं किसी स्कूल में हूँ, ऐसा लग रहा है मैं किसी पार्टी फंक्शन में हूँ जहाँ लगातार जो है बच्चे खाने के साथ पढ़ने के साथ इंजॉय कर रहे हैं। गणेश जी को कितने दिन लगते हैं, गणेश जी का विसर्जन कैसे होता है, सारी चीज़ें आप साफ करके देखिए। देखिए किस तरीके से जो है हमने पेरेंट्स का रिव्यू जान लिया, क्या ये सच में दावा जो करते हैं वो कितना सही है। नव्यांध्रा स्कूलों की जहाँ पे डांस वोकल और फाइन आर्ट ये सारी चीज़ें जो है बच्चों को सिखाई जाती हैं, हर सारी चीज़ें जो हैं प्ले कराई जाती हैं बच्चों को, सारी चीज़ें फैसिलिटी जो एजुकेशन के साथ साथ ये कहें एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्लासेस जो है वो प्रोवाइड होती हैं
स्विमिंग पूल है, बच्चों को ये चीज़ें अभी से सिखाई जाती है जिससे बच्चे जो है आगे जाकर किसी भी गोल को अचीव कर पाए। ऐसे में आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। क्या आप भी अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराना चाहेंगे तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इस स्कूल में अपने डायरेक्ट अपने बच्चों को इस स्कूल में ला सकते हैं। के साथ ही देखते रहें जल्द को दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ।